नमस्कार फैंस, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ट्वीट अप विद राजीव रुया। टू लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम डाइवर्स फील्ड्स, वन अ वेल अकॉम्प्लिश्ड डायरेक्टर नोन टू हैव डायरेक्टेड द फेमस फिल्म सीरीज माय फ्रेंड गणेशा, क्रॉनिकली पॉपुलर अमंग किड्स, व्हाइल द अदर अ पायनियर ऑफ अ रेनाउंड पब्लिशिंग हाउस एनलाइटन इन इंडिया। बट बिहाइंड देयर सक्सेस स्टोरीज इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट। टुडे both of them stand solid on their accomplishments, while the former friend Mr. Rajiv Ruya expressed his heartfelt gratitude for our magazine. We at Enlightened India wish him all the very best for his next venture. Let's see what he had to say about his next film Saasi. सर आपको कैसे लग रहा है, यू आर मीटिंग योर एज ओल्ड फ्रेंड। आपने माय फ्रेंड गणेशा पार्ट वन को प्रोड्यूस भी किया है, तो आपको कैसे लग रहा है कि यू आर कमिंग बैक टू दिस ऑफिस एंड कमिंग एंड मीटिंग द डायरेक्टर? सी इट इज लाइक दिस, वी हैव नॉट मेट बिकॉज बीइंग द सेम इंडस्ट्री, मगर वी ऑलवेज बीन कनेक्टेड, राइट? सो व्हाटएवर इवेंट्स वी हैव और ही हैज, इट इज 24 और 365 डेज इनविटेशन फॉर हिम एंड अस, सो इट इज वन फैमिली। Very nice, sir. So I'm eager to go in and have a good heart. Yes, sir. Let's see कि जब उनको पता चलेगा कि उनके best friend उनसे मिलने आ रहे हैं, तो उनका reaction क्या होगा? So you can see our movies. We released this My Friend Ganesha from Coffee Break Pictures Limited. This was our first production in 2008, and then he had produced. Directed Ganesha 2, My Friend 3, and then Ganesha 4, and he's been awarded as the best director. And after that, wow, series of movies, which you will hear from him. Exactly. This is his upcoming film Saase, to be released in the month of November. Enlightened India wishes all the luck for Saase. We'll go to the awards section क्योंकि मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे awards के collections हैं. These are all the awards you get to share. Wow, ये awards तो भाई काफी हैं, बहुत बड़े भी हैं. This is actually adding up to the entire interior of the office. Trust me, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये awards. ये है golden achiever of the year. Truly, I hope just like the achiever, even his movie Saase turns out to be a good. Now, in conversation with the director himself. Hi, कैसे भाई? मूवी का हम लोग ने मीडिया प्रेस रिलीज किया, ये किया, अमेजिंग एक्सपीरियंस। अभी आपको बहुत जल्दी आना भी है भाई, पार्टी हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इसी तरह बस ग्रोथ करते जाइए और साथ में हम लोग आगे बढ़े। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माय हेड ऑफ कम्युनिकेशन, हाय शर्लिन जी। हाय शर्लिन, हाउ आर यू? आई एम गुड मिस्टर राजीव जी। सर मैंने अवार्ड्स सब देखे हैं एंड इट्स रियली नाइस। आई थिंक एनलाइटेड इंडिया इज प्राउड ऑफ यू। एनलाइटेड इंडिया इज प्राउड टू बी अ प्रोड्यूसर ऑफ योर अर्ली मूवीज, first movie in fact. So exactly so we're happy ki aapki next movie release hone wali hai in the month of November. sir aapki jo upcoming movie hai uske bare mein agar aap kuch do shabd bata sakte hain. dekhiye वैसे तो मुझे बच्चों की फिल्म में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, लेकिन फर्स्ट टाइम एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से मैंने हॉरर मूवी बनाई है। okay. और ये मैंने लास्ट टाइम बनाई थी डायरेक्ट इसमें मेरे साथ कुछ रियल हादसे हो चुके थे। एक्चुअली हम लोग शूटिंग कर रहे थे एक पैलेस में, और वहाँ पर हमारी एक फीमेल टेक्नीशियन से उसके अंदर रियल में घोस्ट आ गया था। अरे बाप। और पूरी शूटिंग में 7-8 दिन का जो माहौल था वो बहुत टेंस वाला माहौल था, क्योंकि हमने तो एकदम रियल सामने घोस्ट को देखा किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो पोजिस हो चुकी थी, जी, जी, और उसकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, उसकी आइज टर्निंग होना, ये होना, बेड के नीचे उसका घुस जाना, एकदम आंखों देखी बात है। हाँ। और उसमें भी रजनीश दुग्गल थे, और रजनीश दुग्गल ऑलरेडी हॉरर मूवी कर चुके हैं, तो रजनीश को तो फुल एक्सपीरियंस था कि ये भाई रियल है। फिर कैसे ना कैसे करके वहाँ पर एक बहुत अच्छा मंदिर है जिसमें उसको लेके जाके उसमें से वो घोस्ट को आउट किया गया, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में आया था कि इस टाइप की फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं भी नहीं बिलीव करता था कि भूत वूत हॉरर वॉरर कुछ होता होता है, लेकिन बोलते ना कहते जा भगवान है वहाँ भूत है, तो आंखों देखा जब हो गया तो फिर ये प्लान वैसी फिल्म बनाने की प्लान।
वेरी नाइस तो सर ये इंसिडेंट जो आपने बताया, तो ये इंसिडेंट के बाद आपके जो कास्ट और क्रू थे स्पेशली, उनको कुछ ज्यादा डर नहीं लगा? उन्होंने मैंने कहा ना कि 7 दिन तक पूरा डर का माहौल था और कैसे हम लोग शूटिंग करने के लिए निकल जाते थे और उसको हम लोग रूम में बंद कर दिया जाए, बहुत से जनों को वहाँ से, एक्चुअली वो भगवान की जगह है बनारस, हाँ, शंकर भगवान की जगह है, तो वहाँ पर जितने भी लोग होते थे पंडित, उन सबको एक्चुअली पता है कि क्या है ये सब, और उसके हिसाब से हम लोग ने सब बुलाया फुला के। और सर ये जो आपने कास्ट के साथ अपने काम किया, तो कितने टाइम आप लोग साथ में थे और आपको कैसे लगा, बिकॉज यू ऑल्सो हैड द डेब्यूटेंट, ओके सर आपको कैसे लगा? देखिए इसमें रजनीश दुग्गल के साथ तो ऑलरेडी मैंने 2 फिल्म कर चुका हूँ, सोनारी का भदौरिया जो कि देवो के देव महादेव में पार्वती थी उसकी पहली फिल्म है ये, और मज़ा तो तब आता था सेट पे कि सोनारी का सबसे बड़ी डरपोक है और जब उसके सामने कुछ ऐसे सीन आते तो मुझे उसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, रियल एक्सप्रेशन आती थी, और ऐसा बहुत बार हुआ कि वो सेट पे रो देती थी हर सीन में और लोगों को लगता था कि वो परफॉर्मेंस करती थी, लेकिन रियल में वो डर चुकी होती है और उसके अंदर से वो परफॉर्मेंस निकलता था। और हाँ इतिन तेजवानी जो कि टीवी सीरियल के बहुत पॉपुलर है, वो भी वन ऑफ द लीड इस फिल्म में। बाकी सारे आर्टिस्टों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, शूटिंग बहुत अच्छी रही, हमने 40 डेज पूरी मॉरिशस में ये फिल्म की, फर्स्ट फिल्म टू लास्ट फिल्म मॉरिशस में। वेरी नाइस तो मतलब आजकल जो ट्रेंड में है मेथड एक्टिंग करके, आई थिंक सोनारी का तो नंबर 1 पे है क्योंकि वो नेचुरली ऐसे मेथड एक्टिंग प्रैक्टिस करती होगी। नहीं वो एक्चुअली हुआ ये था, मैंने आपको कहा था ना बहुत ज्यादा डरपोक है, मतलब आप जैसे बैठे आपके पीछे से कोई गुजर गया तो डर जाओगे वैसा काम। तो आपने सेट्स पे कभी उनपे कोई ऐसा प्रैंक नहीं किया? किसी ने 100 बार ऐसा प्रैंक हो गया, लोगों को पता, मेरे आर्टिस्ट को स्टार्स को पता चल गया कि सोनारी का वाकई में डर थी, तो हर सेकंड पे उसका प्रैंक होता था। तो मतलब आप पे कभी लोग प्रैंक करते थे? नहीं मैंने कभी ऐसा, मैं डरता ही नहीं, तो वैसे भी लोग मेरे से डरते थे तो सेट पे नहीं आते, तो हुआ नहीं वैसे। लेकिन जो हमारी जो इस फिल्म में गोस्ट है उसका नाम मैं नहीं रिवील करूंगा, बहुत जल्दी हो जाएगा उसका नाम रिवील करना। वो पूरा सेट पे उसको जो मेकअप किया गया था, वो मेकअप लगा के उस तरीके से पूरी पिक्चर में सुनारी का, वो ओरिजिनल में भी डराती थी, पिक्चर में तो डराती थी, मस्ती थ्रू आउट लगी हुई थी उसकी right. और हम लोग भी वही करते थे शूटिंग पे, ऑटोमेटिक लाइट ऑफ करके सुनारी के सामने खड़ा करते थे उसको, तो काफ़ी कुछ मजे से शूटिंग कंप्लीट हुई है और फिल्म 11 नवंबर को रिलीज है, गाने कल आउट हो गए, आप देखिए। Definitely Enlighten India will go and see the film. इन्हें तो बोलने की जरूरत नहीं है, तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन्हें तो देखेंगे देखेंगे। अभी तो कंपनी जाएगी Enlighten India देखने, और सर दिखता है कि मतलब आप डायरेक्टर हो, आपका कैप बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। आई थिंक यू नो बनता है कि इनके कैप पर जो लिखा है कॉल बॉलीवुड, डेफिनेटली ही सिट्स ओवर देयर ऑन हिज डायरेक्टोरियल चेयर and he calls everyone and he has the power to direct the entire film. So go watch Saase on the 11th of November. Enlighten India wishes all the best for his film. Sir, aur ek cheez, is film mein jo hai aapki jo upcoming film hai Saase, pata chala ki aapki beti bhi usme kaam kar rahi hai, to fir aapki beti ko direct karte waqt aapko matlab easy tha, difficult tha, batana pada? Sahi batao ya galat batao? आपको जो बताना बताइए। सही बता रहा हूँ मैं कि एक्चुअली मैं नहीं चाह रहा था कि मेरी बेटी इतनी जल्दी इस फिल्म में जी। उसकी बहुत इच्छा है क्योंकि वो हर वक्त है ना, वो कोई वीडियो क्लिप बना के मुझे सेंड करती रहती है, पापा को लगे कि मुझे एक्टिंग आती, मुझे तो हमारे एक स्क्रीन के पार्टनर है विवेक म्यूजिक डायरेक्टर है, वो मेरी बेटी के बहुत क्लोज है, तो उसको भेजते थे, तो विवेक हम जब बच्ची का सिलेक्शन हो रहा था तो मुझे पता भी नहीं था कब विवेक और वो मिले, और एक सीन का उन्होंने ऑडिशंस किया, सब कुछ किया, प्रोड्यूसर से अप्रूवल करवा दिया, उसके बाद मुझे बताया गया कि मेरी बेटी इस फिल्म में है। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे मतलब एकदम एंड स्टेज पे जब मैं ऑडिशंस ले रहा था बच्चों का, तब प्रोड्यूसर का फोन आया, तो बेटी तो हमने सिलेक्ट कर लिया, मतलब किसको क्या, तो उसने मुझे इसका साचू का वीडियो भेज दिया, मैं बोला वाह, मुझे तो खुद को नहीं पता इन्होंने कब वर्कशॉप कर लिया, कब उसका वीडियो बनाया, और मेरी बेटी है इसके लिए नहीं बताऊंगा बोलूंगा मतलब, लेकिन उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और फर्स्ट टाइम जैसे कहते हैं ना कि स्क्रीन पे, क्योंकि मैं तो बच्चे लोगों का डायरेक्टर रह चुका हूँ, तो एज ए बच्चे लोगों का डायरेक्टर मैं कहना चाहूँगा कि मुझे लगा कि मेरी बेटी में बहुत कॉन्फिडेंस है स्क्रीन पे, ऑन स्क्रीन बहुत कॉन्फिडेंस है, जिसने 1919 आवर्स जाग के काम किया वो कमेंडेबल exactly. उसको इतना शौक है एक्टिंग का
कि मतलब बाकी के मेरे सारे को स्टार्स उसके बड़े बड़े सोते रहते थे मतलब सेट पे, लेकिन वो ऐसी आँख खोल के बैठ रही थी कि मेरा शॉट नहीं आ जाए. तो वो चीज़ मैंने उसको अंदर देखा और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. बाकी तो सब आप स्क्रीन पे देखेंगे. बस या डेफिनेटली हम देखेंगे. थैंक यू सो मच राजीव जी, इट वाज नाइस हैविंग यू ऑन नाइस कन्वर्सेशन विद एनलाइटन इंडिया. एंड थैंक्स कि हमको वापस मिलाया आपने बहुत दिनों बाद. आपके थ्रू ही हम मिले वापस एनलाइट से, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता ना मेरे पास टाइम होता मिलने का. आज फिर से दोबारा सालों बाद मिले. फॉर दिस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू grab a copy of our November issue available on www.maxter.com. till then subscribe to our YouTube channel Enlighten India, like our Facebook page at Enlighten India Magazine, and follow us on Twitter at Enlighten_India and Instagram at Enlighten_India_Magazine.